न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहा हूँ मैं दोस्तों आपके सामने। आज 2000 रुपए के नोटों की जमाखोरी की जा रही है और इसे चलन से बाहर कर देने का सुझाव दिया है पूर्व वित्त सचिव ने। जी हाँ दोस्तों, फिर हो सकती है नोटबंदी, अब 2000 रुपए के नोटों को किया जा सकता है बैन, पूर्व वित्त सचिव का सुझाव। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार 2000 रुपए के नोटों की छपाई में धीरे धीरे कटौती कर रही है। और साथ ही दोस्तों 2000 रुपए के नोटों को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एटीएम में भी बंद होगा 2000 रुपए का नोट मिलना। और किन किन बैंकों ने बंद कर दिया दोस्तों, वो भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहेगा। उसके अलावा दोस्तों एसबीआई के एटीएम में नहीं मिलेंगे 2000 रुपए के नोट, छोटे नोटों का चलन रहेगा जारी। उसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने भी 2000 रुपए के नोटों को छापना बंद कर दिया है। अब क्यों किया है दोस्तों, इसका आरबीआई ने अभी कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन दोस्तों 2000 के नोट अभी नहीं छापे जा रहे हैं। तो दोस्तों खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन के ऊपर की, बैंकों के एटीएम में जल्द ही 2000 रुपए का नोट मिलना बंद होने लगेगा। आरबीआई द्वारा इसकी छपाई को बंद किए जाने के बाद भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों ने इस कवायद को शुरू कर दिया है। अगर किसी ग्राहक को 2000 रुपए का नोट चाहिए होगा तो फिर भविष्य में यह केवल बैंक शाखाओं में मिलेगा। 2000 रुपए के नोट की जगह बैंक एटीएम में केवल 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की करेंसी नोटों की संख्या को बढ़ाएंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हालांकि यह पूरी तरह होने में कम से कम 1-2 साल का समय लग सकता है। छोटे शहरों से शुरुआत कर दी है दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों खबर निकल के आ रही है अभी हाल ही में लेटेस्ट न्यूज। दरअसल दोस्तों 2000 रुपए के नोटों को एटीएम से हटाने पर यह अफवाह फैल सकती है कि बैंक आने वाले दिनों में इसका प्रचलन भी बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक निजी बैंक से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरबीआई ने बैंकों से एटीएम में 2000 रुपए का नोट कैसेट हटाने पर चरणबद्ध तरीके से काम करने के लिए कहा गया है। बैंकों को कहा गया है आरबीआई द्वारा कि वो एटीएम में ज्यादा से ज्यादा 500, 200 और 100 रुपए के नोटों को रखें, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। त्योहारी सीजन की समाप्ति के बाद इस कार्य में तेजी आएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी 2000 रुपए के नोट ज्यादा निकलेंगे। तो दोस्तों अभी आरबीआई ने तो बैंक वालों को यही बोला है कि 2000 रुपए के नोट एटीएम में मत डालो, आप 200, 500 और 100 रुपए के डालो, और बैंक वालों को भी नहीं बताया कुछ भी कारण। और दोस्तों एसबीआई ने तो लगभग 90% एटीएम के अंदर 2000 रुपए के नोट हटा दिए हैं। तो दोस्तों अब एसबीआई के एटीएम में तो आपको कभी भी 2000 रुपए का नोट नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी एसबीआई के एटीएम से 2000 रुपए का नोट देखने को मिला हो दिवाली बाद, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दरअसल दोस्तों कारण यह है कि 2000 रुपए के नोटों की जमाखोरी की जा रही है, इसे चलन से बाहर कर देने का सुझाव दिया है पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने। खबर आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार के आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव एससी गर्ग ने कहा कि 2000 रुपए के नोट आसानी से बाजार से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने 2000 रुपए के नोट जमा कर लिए हैं, जिसकी वजह से अब ये ज्यादा चलन में नहीं है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यानी कि एससी गर्ग ने सरकारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण खत्म करने और निजीकरण को बढ़ावा देने के अलावा 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर करने वाले कुछ सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि एससी गर्ग 31 अक्टूबर 2019 को रिटायर्ड हो चुके हैं। 1983 बैच के राजस्थान कैडर के आईएसएस गर्ग ने 2017 में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला था। वह दिसंबर 2018 में वित्त सचिव बन गए थे। गर्ग ने वित्त सचिव का पद छोड़ने से पहले 100 प्रमुख नीतियों और शासन तथा अर्थव्यवस्था में सुधार संबंधी सुझावों से जुड़े नोट की एक कॉपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला करते हुए 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया था। वहीं 500 और 2000 रुपए के नए नोट को जारी करने का फैसला किया था। एससी गर्ग ने दोस्तों अहम सुझाव दिए कि 2000 रुपए के नोट का एक बड़ा हिस्सा प्रचलन में नहीं है, इन्हें रोका गया है। ट्रांजेक्शन के रूप में फिलहाल 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिना किसी बाधा को उत्पन्न किए इसे तुरंत प्रचलन से बाहर किया जा सकता है। दूसरा सुझाव दिया दोस्तों कि भारत के राजकोषीय घाटे के ऊपर की, उन्होंने अपने सुझाव में कहा कि भारत के राजकोषीय प्रबंधन सिस्टम में उन प्रथाओं का इस्तेमाल हो रहा है जो अच्छे और स्थिर नहीं है, इसलिए घाटे का स्तर बना रहता है। तीसरा सुझाव दिया दोस्तों क्रेडिट रेटिंग के ऊपर की, गर्ग ने कहा कि ज्यादा कर्ज का स्तर भारत की क्रेडिट रेटिंग के लिए बड़ी समस्या है। देश की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इन कर्जों को चुकाने में खर्च होता है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। उसके अलावा दोस्तों चौथा सुझाव दिया कि गर्ग ने एक भूमि प्रबंधन निगम यानी कि लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बनाने का सुझाव दिया, जो कि एक प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त वेल्थ फंड होगा। उन्होंने बताया कि घाटे में चल रही सार्वजनिक उपक्रमों की सभी भूमि और भवनों को इस निगम को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक और सुझाव दिया कि इसके अलावा गर्ग ने ऑफ बजट उधार, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के भुगतान आदि को खत्म करने की भी सिफारिश की है। तो दोस्तों अभी फिलहाल की सभी जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो मैंने आपके सामने ला दी है और आप जानकारी से अवगत हो गए होंगे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या है राय, क्या हो सकता है फ्यूचर में, और क्या 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाए या नहीं किया जाए, आप क्या चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपकी क्या राय है इसे लेकर के, क्या आपको लगता है कि 2000 रुपए के नोटों की वाकई में जमाखोरी की जा रही है और इसे दबाया जा रहा है, मार्केट में चलन में नहीं लाया जा रहा है। मैंने भी वाकई में 2000 रुपए के नोट देखे हुए, 1-2 महीने तो आराम से हो ही गए होंगे। ऐसे में दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो सभी इन नोटों की जमाखोरी करते हैं और एक दूसरे की टाइम पे हेल्प भी नहीं करते हैं, या फिर ऐसे चोर दोस्त जो वास्तव में 2000 रुपए के नोटों को जमा करके कोठे में बंद रखते हैं ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। अपन फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।